बड़ी खबर बदायूं जिले से है, जहां पर बदायूं जिले के आलापुर पुलिस ने पिता पुत्र को स्मैक और स्मैक बनाने के सामान के साथ पकड़ा। आपको बता दें कि बदायूं में पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक और स्मैक बनाने का सामान बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,20,00,000 से ज़्यादा है। आपको बता दें कि दरअसल आलापुर थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नैथू में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से स्मैक का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नैथू गांव में दबिश देकर दो लोगों को खुर्शीद और जाने आलम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक बनाने का सामान बरामद हुआ है। SSP ब्रजेश कुमार ने बताया कि ये दोनों आरोपी स्मैक का धंधा करते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी सफ़ेद सोडा केमिकल युक्त पानी अफीम पाउडर तथा अन्य केमिकल पदार्थ मिलाकर स्मैक तैयार करते थे, जिसे तैयार करने के पश्चात हम गाड़ी में ले रख कर दिल्ली में अलग अलग जगह भेजते जाते थे। थाना आलापुर के ग्राम नैथू में एक सूचना मिली कि वहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जो स्मैक बनाने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पे इंस्पेक्टर आलापुर अपनी टीम के साथ मौके पे गए और मौके पर वहाँ पर स्मैक बनाते हुए दो लोगों को पकड़ा जो पिता पुत्र हैं। ये खुर्शीद आलम और जाने आलम जिनका नाम है, इनके पास से 400 ग्राम प्योर स्मैक मिली। साथ ही जितना बनाने के आइटम थे सारे आइटम कोई 7 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे करते हुए सारे मटेरियल को इन्होंने पकड़ा और ये रिफाइन करके बिल्कुल स्मैक को बनाते थे और दिल्ली में जाकर उनकी बिक्री करते थे। इनके द्वारा ये बताया गया कि जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो हम खरीद के लाते हैं और अपने ग्राम नैथा के अहाते में बैठ के उसको बनाते हैं और इससे बहुत अधिक मुझे मुनाफा होता है। इस संबंध में जो एक जानकारी देनी है कि इसका एक बेटा और है परवेश नाम का, जो इसी तरीके स्मैक में ही पकड़ा गया था, जो कि जेल से अभी बहुत जल्दी छूटा है। पिता पुत्र पे ये कार्रवाई की जा रही है और टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। इसके लिए इनको 10,000 रुपये टीम को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाए। कितनी कीमत होगी ये जो अभी तक मिला है? इसकी कीमत 1,20,00,000 के करीब है। इनका नेटवर्क कहाँ फैला हुआ है? इनका नेटवर्क अंतर्राज्यीय है, दिल्ली इन्होंने बताया है। अभी हम लोग इस पर पूरी छानबीन कर रहे हैं। इनका जो भी फ़ोन जहाँ जहाँ इनकी बातें हुई हैं उन चीज़ों के आधार पे, दूसरा पूर्व में इन्होंने जहाँ जहाँ बिक्री की है उस आधार पे, और इनका जो घर है वो गांव से किनारे हट के बना हुआ है। घर की स्थिति देख के लग रहा है कि इनका मुनाफा अच्छा खासा होता है और गाड़ी भी इन्होंने रख रखी है। बैंक बैलेंस अभी इनका चेक नहीं किया गया, उसको भी किया जाएगा ताकि पूरी तरीके से इनके संबंध में कि स्मैक का कारोबार इन्होंने कितना फैला रखा है और इनके इस रैकेट में बाहर के और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, उस पर भी टीम द्वारा कार्रवाई की जाए।